Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, hope you are fine. So I am here with you with the second lecture of Data Structures and Algorithms course. And in this lecture, we will learn that what are data structures. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in Computer Science. Currently, I am working as lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. So let's proceed to the lecture number 2 of Data Structures and Algorithms course. So first we see that what are the data structures. तो उसमें सबसे पहले ये एक computer science में fundamental एक process है, which is the representing information. तो उसमें ये है कि आप information को आप कैसे represent करते हैं. So data structure is also related to the this fundamental concept. And the primary purpose of most computer program is not to perform calculation. ये थोड़ा सा शायद आपके जो basic concepts हैं उनसे ये ज़रा different होगा, लेकिन ये reality है कि mostly computers programs में हम सिर्फ calculations perform नहीं करते, बल्कि उसमें हमारा main purpose ये होता है कि हमने data handling जो है वो कैसे करनी है. So our main purpose is to store and retrieve information as fast as possible. For example, आपका एक बैंक अकाउंट है और आप एटीएम में ट्रांजेक्शन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो सिंपल प्लस माइनस है. लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो मेन आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो ट्रांजेक्शन है दैट शुड बी कम्प्लीट इन विद इन 1 or 2 मिनट्स. उसको ज़्यादा टाइम उसको नहीं लगना चाहिए. तो मेन हमारा जो है कॉन्सेप्ट ये है कि हमने बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी. वी जस्ट हैव टू स्टोर एंड रिट्रीव सम इंफॉर्मेशन जो कि बैंक के डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसको सिर्फ अपडेट करना है, उसको रिट्रीव करना है. ये हमारा मेन पर्पस है और ये सारा प्रोसेस जो है वो चंद मिनट में जो है वो कम्प्लीट होना चाहिए. सो प्रोग्रामर्स हैव टू राइट प्रोग्राम्स दैट रन एफिशेंटली ऑन कंप्यूटर्स. और एफिशेंटली रन करने का मतलब ये है कि दिस प्रोग्राम यूज मिनिमम रिसोर्सेज. और टिपिकली द रिसोर्सेज विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज आर सीपीयू एंड मेमोरी. तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम या एल्गोरिदम जो कि कम से कम सीपीयू टाइम में जो है वो यूज़ करता है और कम से कम मेमोरी यूज़ करता है, हम उसे कह देंगे कि दिस प्रोग्राम इज मोर एफिशिएंट देन अदर प्रोग्राम्स. सो अगर हम इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट वी विल लर्न अबाउट सम बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स विच फॉर्म द प्रोग्रामर्स बेसिक डेटा स्ट्रक्चर टूल किट. इससे टूल किट से क्या मुराद है कि लेट्स से अगर आपके घर में एक प्लम्बर आता है तो उसके पास कुछ बेसिक टूल्स होते हैं जो वो अपनी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता है. इसी तरह से इलेक्ट्रिशियन के पास भी कुछ बेसिक टूल्स होते हैं. तो इसी तरह से जो प्रोग्रामर्स हैं उनके जो टूल्स हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं. तो जब उनको कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो इन डेटा स्ट्रक्चर्स को या इन टूल्स को यूज़ करते हैं. एंड देयर आर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड एवरी डेटा स्ट्रक्चर. एंड द कॉस्ट जो है वो उसकी हमने बात की थी. कॉस्ट इंक्लूड्स थी how much resources a computer program use, and the main resources are CPU time and pin memory. And it really happens that the one data structure is better than another in all respects. So ये अपने जहन में आप रखें कि कोई भी डाटा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो कि हर सिचुएशन में बेहतर होता है. मोस्टली द डाटा स्ट्रक्चर्स वन डाटा स्ट्रक्चर इज बेटर इन वन कंडीशन and add another data structure is better in another condition. So we will learn how to determine which data structure is better in a particular scenario. Next we will learn how to determine the effectiveness of data structure or algorithm, and we will use objective evaluation to determine the performance of data structure and compare different data structures or algorithms based on these evaluations. तो हम ये देखेंगे कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर है और कैसे बेहतर है.
ऑब्जेक्टिवली का मतलब ये है कि इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन समवनस पर्सनल असेसमेंट. वी यूज सम कंक्रीट मेजर्स. वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर ऑब्जेक्टिव एवेल्यूएशंस मेजर. वी विल सी दैट इन इनकमिंग लेक्चर्स. एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द गोल्स ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन. तो जनरली देयर आर टू मेन गोल्स ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन. First goal is to design an algorithm that is easy to understand, code and debug. And the second goal is to design an algorithm that makes efficient use of computer's resources. Ideally, the resulting program is true to both of these goals. Which इसका मतलब ये है कि वो इन दोनों goals को achieve कर सकता है. But the goal number one is mostly related to the software engineering domain. So maybe we will not discuss this goal in much detail in this course. But goal number two, designing an algorithm which use minimum computer resources, that is our main goal of this course. So we will talk about this goal later in this lecture. How can we evaluate the efficiency of algorithm? We have for example, we have a Meyer mathematical analysis technique, which is the asymptotic analysis. We will use this technique to evaluate the efficiency of algorithms. ये सिर्फ एक example है, इसके अलावा भी कुछ techniques हैं, हम उनको भी. So in next lecture we will discuss that why we need the data structures. So till then I say you goodbye, and we will see you in next lecture, inshallah.